आज हम आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। और ये हमने चूड़ा मटर बनाया है जो बनारस की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको चूड़ा मटर बनाकर दिखाएंगे जो बनारस की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसे ठंड के समय बनाई जाती है। और इसके लिए हमने मटर लिया है, ये हमारा हाफ के जी मटर है और ये हाफ के जी चूड़ा है। इसे हम धो लेंगे। और इसके साथ हमने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, एक प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसमें एक हरी मिर्च भी हम डालेंगे जिसे हम काटेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम चूड़ा को धो लेंगे और इसका हम तड़का लगाएंगे। चूड़ा को हमने धो लिया है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर मिक्स कर देंगे। इसमें हम गरम मसाला पाउडर अच्छी तरह से इसे मिलाकर हाथों से, और इसे हम छोड़ के रख देंगे। उसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे। इसमें हमने गरम मसाला पाउडर मिला दिया है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और इधर हमने गैस में कढ़ाई को चढ़ाया है, इसमें हमने सरसों का तेल डाला है 4 चम्मच के करीब, बड़े चम्मच से। तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और साथ में अदरक डाल देंगे। और इसके साथ हम प्याज डाल देंगे और इसे हम गोल्डन होने तक हल्का भूनेंगे। और साथ में हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज को गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज गुलाबी हो चुका है तो अब हम इसमें मटर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ढक के पकने देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे हम ढक देंगे। अब इसे चेक कर लेंगे एक बार। और इसे हम चेक कर लेंगे हाथों से, मटर अच्छी तरह से पक चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। और साथ में 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच डाला है क्योंकि हमने चूड़े में भी अच्छी तरह से मसाला मिक्स किया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और चूड़े को डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसे हम ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम आपको इसे सर्व करके दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारा चूड़ा मटर बनके बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और साथ में बारीक कटी हुई काजू डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरह से आप अपने घर पे बनाएं, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। तो आइए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। और ये चूड़ा मटर हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये बहुत इजी रेसिपी है, आप इस तरह से अपने घर पे ज़रूर बनाएं।
तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।